हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। आप में से मोस्टली व्यूअर्स जानते हैं कि ट्राइडेंट लिमिटेड जो है, मैं पिछले 3 साल से आपको जो है इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक भी है, आप ही लोग जानते हैं। जब ये स्प्लिट नहीं हुआ था तब से मैं इस शेयर को ओन कर रहा हूँ। और देखिएगा, इस कंपनी के अंदर सबसे खास बात ये है कि जो इसकी ब्रांड्स हैं, जो टॉवल्स के अंदर या आप चादरों के अंदर बात करें या आप ब्लैंकेट के अंदर भी बात करें, और जिस तरीके से इन्होंने ब्रांड्स डेवलप किए और जिस तरीके से इनका यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट है, वहाँ पर ये कंपनी के बारे में मैं आपको वीडियो पहले भी शेयर कर चुका हूँ। और बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन रिजल्ट्स जो है ये दे रही थी कंपनी। और देखिएगा, जब ये अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन रिजल्ट दे रही थी, बेहतरीन डिविडेंड दे रही थी, और करीबन मुझे याद है 4-4.5% तो हमें डिविडेंड ही मिल रहा था साल के अंदर, पिछले 2-3 साल के अंदर। अभी हालांकि डिविडेंड पिछले 2 क्वार्टर में नहीं मिला क्योंकि रिजल्ट्स आप लोग जानते हैं कोविड की वजह से ख़राब हुए। और अभी भी देखिए, उन्होंने कमर्शियल पेपर्स के माध्यम से भी जो है कैश रेज किया, लेकिन इस समय पर कंपनी दुविधा में चल रही है, थोड़ी प्रॉब्लम में चल रही है। लेकिन प्रमोटर्स ने स्टेक बढ़ा दिया कंपनी के अंदर, और हमारा जो शेयर प्राइस है वो लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो पैसे डबल हो गए, और उस समय डबल हुए जब कंपनी प्रॉब्लम में है। यानी कि एक कहावत आपने सुना होगा, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। लेकिन ट्राइडेंट लिमिटेड के लिए सबसे खास बात हमारे लिए ये अच्छी है, दुख के सब साथी सुख में ना कोई। यानी कि जब इसमें सुख था, जब इस शेयर्स को कोई लेने वाला नहीं था, और अब इस कंपनी में जब दुख मंडरा रहा है तब जो है इस लोग इस शेयर्स को बाय कर रहे हैं। तो लोगों का क्यों इसमें बाइंग इंट्रेक्शन है? देखिएगा, सीधी सी बात ये है, मुझे तो खुशी है कि ये शेयर अभी और चले, और देखिएगा मेरे अभी प्राइजेस से ये डबल है। और आप वीडियो भी शेयर मैंने कर काफ़ी किए, इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे भी मैंने एनालिसिस किए। हालांकि अभी पीछे 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स मुझे अच्छे नहीं लगे, लेकिन उसके बावजूद देखिएगा ये शेयर जो है अब अच्छा कर रहा है। और रीज़न ये है कि देखिएगा, अभी कोविड की समस्या जैसे दूर होगी तो कंपनी दोबारा से ट्रैक पे आएगी, और कंपनी के प्रमोटर्स ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है। हालांकि इस बिज़नेस के अंदर देखिएगा कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है रहेगी। इनका मध्य प्रदेश और पंजाब दोनों जो प्लांट है वो ऑपरेशनल है, और इन्होंने जो है कैप्टिव पावर भी बात करें तो कैप्टिव पावर भी इनकी अपनी है। और उसके बाद जिस तरीके से ये धान से जो पेपर वगैरह बनाते हैं, तो जो ट्राइडेंट का पेपर है उसमें भी काफ़ी अच्छी इनकी प्रेजेंस है। तो यहाँ पर अगर पूरे मार्केट के अंदर अगर हम बात करें तो कंपनी अभी इतना अच्छा नहीं कर रही जितना शेयर प्राइस अच्छा कर रहा है। लेकिन यही शेयर मार्केट के अंदर होता है, जब कंपनी अच्छा कर रही होती है तब शेयर प्राइस कभी कभी अच्छा नहीं कर रहा होता। जब शेयर प्राइस अच्छा तब कर रहा होता है जब उम्मीदें होती हैं कि शेयर अच्छा करेगा। तो इसी उम्मीद के अंदर देखिएगा आज 20% का सर्किट। दूसरा रीज़न ये है कि रिटेल का पार्टिसिपेशन मार्केट के अंदर बढ़ा हुआ है, और रिटेल को जो है पेनी स्टॉक्स पसंद आते हैं। तो जब ये शेयर स्प्लिट हुआ था तो बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स थे वो ये कहते थे कि ये सर शेयर तो पेनी स्टॉक की कैटेगरी में हो गया। तो मैं उनके कमेंट्स के जो जवाब देता था या उनकी वीडियोस में जो मैं रिप्लाई करता था, तो मैं यही कहता था कि ये पेनी स्टॉक नहीं हुआ है, अब ये शेयर चलने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। तो स्टॉक मार्केट में देखिएगा इसके अंदर अब अच्छी तेजी जो है आई है, और काफ़ी अच्छा जो है ब्रेकआउट जो है इसने दिया है। और अगर आज हम ब्रेकआउट भी बात करेंगे तो काफ़ी बेहतरीन ब्रेकआउट है। तो जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को पता भी होगा ये कि पिछले 3 साल से जो है ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें या रेल इंडस्ट्रीज की बात करें या मेक मनी की बात करें या IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें, तो इनके बारे में जो है चर्चा मेरी हमेशा जो है रही है, और पास्ट की वीडियोस में भी। तो अभी ये जो शेयर है वैल्यूशन वाइज अभी जो है हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वैल्यूशन वाइज थोड़ा सा रिच हो गया है ये शेयर, और अभी थोड़ा सा नहीं काफ़ी रिच हो गया अगर अभी प्रेजेंट परफॉर्मेंस की देखें तो। लेकिन भविष्य में अच्छी परफॉर्मेंस होगी इस उम्मीद के अंदर जो है लोग शेयर ले रहे हैं। दूसरा देखिएगा, यहाँ पे ऑपरेटर भी एक्टिव है इस शेयर के अंदर। अभी इस समय पर अगर हम देखें तो बड़े प्लेयर्स जो है इसको काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स के साथ जो है प्ले कर रहे हैं। दूसरी बात है कि रिटेल को भी ये लगता है, रिटेल इन्वेस्टर्स को भी सस्ता शेयर है, इतनी बढ़िया कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है। लेकिन हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि शेयर्स की फेस वैल्यू पहले 10 रुपये होती थी, जब ये शेयर 60-70 रुपये के आसपास जो है ट्रेड किया करता था। अब भी इस शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपये है, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए।
मैं अपना आउटलुक आपको बता दूं कि मुझे भी ऐसा लगता है कि जब तक रैली चल रही है इसको चलने दो, और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जो है आप इसमें बने रहिएगा। अब जब इस तरीके के शेयर्स चलते हैं तो कभी कभी डबल भी हो जाते रहते हैं, ट्रिपल भी हो जाते हैं, लेकिन जब नीचे की तरफ आते हैं तो कभी कभी जो है रिटेल फंस भी जाता है। और इसके अंदर देखिएगा, आप लोग जानते भी है कि आलोक इंडस्ट्रीज या आलोक टेक्सटाइल जो है पुराना नाम था, उसके अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो 50 रुपए के आसपास जो है फंसे भी हुए हैं। लेकिन इसके अलावा देखिएगा, ट्राइडेंट के अंदर टेक्सटाइल का बहुत अच्छा प्ले है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है लोकल के लिए जो है, वोकल होने की बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं। और इनके ब्रांड्स के अंदर आप देखिएगा, किसी तरीके की कोई खामी आप नहीं पाएंगे। इनके ब्रांड्स पेपर के अंदर अच्छी, जो भी प्रोडक्ट्स इनके जो कॉपियर पेपर है काफ़ी बेहतरीन पेपर इनके जो है मार्केट के अंदर चलता है। उसके अलावा जो टॉवल्स के अंदर, ये सबसे बड़े बिजनेस के अंदर हैं। और आप देखिएगा, जो भी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जो चादरें सेल करते हैं, और इवन जो है अमेजोन भी जो है अपने ब्रांड के थ्रू जो है चादरें सेल कर रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी बड़ी ट्राइडेंट के माध्यम से हो रही है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि तो कंपनी तो अच्छा कर रही है, लेकिन क्योंकि कंपनी में पिछले 2 क्वार्टर अच्छे नहीं थे, अब ये उम्मीद जो है इन्वेस्टर्स कर रहे हैं कि अगला क्वार्टर फिर बहुत बढ़िया होगा। हालांकि अगर आप इसको 1920 की बात करें, जो पिछला साल था वो बेहतरीन था, और कंपनी जो है 1 रुपये 20 पैसे का, जब स्प्लिट से पहले 1 रुपये 20 पैसे या 1 रुपये 80 पैसे का जो डिविडेंड है वो हर क्वार्टर में देती थी। तो यानी कि आप ये समझिए कि हर क्वार्टर में आपको 1 रुपये 20 पैसे का डिविडेंड मिल गया, तब शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये थी। हालांकि उसके बाद भी, स्प्लिट होने के बाद भी उन्होंने डिविडेंड दिया और सेम रेशियो में दिया, लेकिन अभी 2 क्वार्टर देखिएगा अच्छा नहीं कर रहे हैं। और प्रमोटर भी इस बात को जानते हैं कि देखिएगा, इस समय अगर कंपनी अच्छा नहीं कर रही है तो लोग इसको कहीं पैनी स्टॉक समझ के जो है इसको सोल्ड आउट ना कर दें। लेकिन प्रमोटर्स ने जो एक्शन लिए थे उन पे लोग उंगली उठा रहे थे कि स्टॉक को पैनी स्टॉक बना देंगे, लेकिन प्रमोटर देखिए को खुद अपना जो है स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ अगर आप इस साल को छोड़ दीजिएगा, पिछले सालों में अगर बात करेंगे काफ़ी बेहतरीन है। अब टेक्निकली तो MACD लाइन जो है क्रॉस ओवर ओवर द सिग्नल लाइन, तो टेक्निकली तो सारे जो है, मतलब आप समझ सकते हैं कि टेक्निकल तो अब सारे स्ट्रॉन्ग होंगे ही जब लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। तो 52 वीक हाई भी दे दिया, ग्रोस मार्जिन्स भी जो है पीछे बढ़े हैं, कैश फ्लो बढ़ा है, प्रमोटर्स की प्लेज नहीं है। स्टॉक ने आज देखिएगा फिर 20% का जो है अपर सर्किट लगाया, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है शेयर्स के अंदर। वीकनेस कहाँ है देखिएगा, अभी जो पिछले 2 क्वार्टर है वहाँ पे डी ग्रोथ देखने के लिए मिली प्रॉफिट में, मेजर फॉल इन TTM नेट प्रॉफिट के अंदर। अब ट्रेलिंग बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो डेक्लाइन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विद फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो मैं आप बोल रहा हूँ कि पिछले देखिए 2 क्वार्टर कोविड की वजह से खराब हुए हैं, लेकिन अब लोग उम्मीद कर रहे हैं, जो बात हम जो है 2 साल पहले मानते थे वो लोगों ने माननी शुरू की है। तो अब देखिएगा शेयर्स के अंदर अच्छी तेजी जो है देखने के लिए मिल रही है, और हो सकता है कि ये तेजी अभी और कंटिन्यू रहे। तो ऐसे केस के अंदर हमें जो है शेयर्स के साथ तब तक बने रहना चाहिए तब तक कोई बड़ी वीकनेस जो है देखने के लिए ना मिले। तो जैसे आज शेयर्स में 20% का सर्किट लगा है, तो जहां कल के क्लोजिंग प्राइस थे उनको आप स्टॉप लॉस लगा के जो है मुझे लगता है कि प्ले कर सकते हैं जो भी ट्रेडर्स हैं, और फिर भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही अंतिम फैसले पर पहुंचे। इन्वेस्टर्स को शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी मार्केट के अंदर रिजल्ट आने के समय हो सकता है कि थोड़ी सी करेक्शन देखने के लिए मिले। और क्योंकि ये पैनी स्टॉक की कैटेगरी में आज की डेट में इसलिए है क्योंकि शेयर प्राइस 10-12-15 रुपए के आसपास चल रहा है। तो अब ये जो 10-12 रुपए वाले शेयर्स हैं, तो इसमें एक जो है ऑपरेटर्स भी और कुछ ऐसे जो प्लेयर्स हैं जो HNI इन्वेस्टर्स भी हैं, वो कभी कभी इस तरीके के शेयर्स के साथ स्पेकुलेशन करते हैं, और वहाँ पर कभी कभी रिटेल इन्वेस्टर फंस भी जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी अपनी पोजीशंस रखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉप लॉस रखें अपना, तो फिर दिक्कत होगी नहीं। ये नहीं है कि ऊपर के प्राइस में फंस गए और फिर नीचे निकलने की हिम्मत आप ना दिखा पाए। और कंपनी देखिएगा लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगी, इस बात की जो है मुझे अभी भी उम्मीद है कि कंपनी अभी और अच्छा करेगी, और मैं भी देखिएगा सिमिलरली उसी पैटर्न के साथ जो है बना रहूंगा जो आपके साथ जो है मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिएगा टेक्निकली, तो टेक्निकली चार्ट तो इतना स्ट्रॉन्ग चार्ट है, आप देखिएगा अगर आप इसको पूरा भी देखेंगे तो एक, अगर आप इसको वीकली चार्ट पे देखेंगे तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बन रहा है, क्लियरली ब्रेकआउट है। 2 कैंडल्स आपको जो है दिख रही हैं, दोनों ग्रीन कैंडल्स जो है पिछले जो टाइम पे यानी कि फ्राइडे के सेशन में इसमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिला, और आज देखिएगा ब्रेकआउट का कंफर्मेशन आ गया। तो इतनी जबरदस्त जो है कैंडल्स हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कल फिर एक जो है अच्छी तेजी जो है इस शेयर्स में देखने के लिए मिल सकती है। हो सकता है कि उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए ऊपर के लेवल पर, लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट सही रही
तो जो है एक अच्छी तेजी जो है देखने के लिए मिल सकती है। और देखिएगा जो कमर्शियल पेपर्स है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है। तो कमर्शियल पेपर एक ऐसे फंड्स होते हैं जो केवल 3 महीने के लिए लिए जाते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म फंडिंग्स हैं। तो देखिएगा कोविड की वजह से परेशानी जो है बिजनेस के अंदर रही, तो उस तरीके से अगर हम ये बात करें कि जो प्रोसीड्स है जो कमर्शियल पेपर्स की है, तो प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू कम हैव बीन यूटिलाइज्ड टू द डिस्क्लोज पर्पज, द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड द कंपनी हैड एडेड टू अदर लिस्टिंग कंडीशन ऑफ लिस्टिंग कमर्शियल पेपर्स ऑन द BSE एज स्पेसिफाइड इन एनेक्सर वन ऑफ द सेट सर्कुलर। तो देखिएगा ये यूटिलाइजेशन से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन हैं वो यहाँ पे जो है डिस्क्लोज की जो है की जा रही हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ यही जो है चर्चा करूँगा कि देखिएगा ये जो कमर्शियल पेपर्स हैं, तो कमर्शियल पेपर तो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, तो ज़्यादा लंबा पीरियड होता नहीं है। तो कभी कभी जब कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की जरूरत होती है तो कमर्शियल पेपर का जो है यूज़ करते हैं। तो 90 डेज की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो वेल रिप्यूटेड कंपनीज़ हैं वो इसको करती हैं। और अगर ट्राइडेंट की वैल्यूशंस को बात करें तो देखिएगा पैग रेशियो जो है वो माइनस में चली गई है। और माइनस में क्यों चली गई है पैग रेशियो, क्योंकि देखिएगा पिछले 2 क्वार्टर में प्रॉफिट नहीं थे, तो ये लॉस की वजह से गई है। प्राइस टू बुक वैल्यू अभी भी देखिएगा 2 टाइम्स पे, तो कोई ऐसा तो नहीं है महंगा है। और टेक्सटाइल भी देखिएगा और कंपनीज भी जो इसी सेक्टर के अंदर उसमें भी अच्छी जो है तेजी जो है देखने के लिए मिली है। स्पेशली मैं इंडो काउंट की बात करूंगा तो इंडो काउंट भी सिमिलर बिजनेस के अंदर, तो उसमें भी जो है पीछे, हालांकि उसमें तेजी जो है पहले हो चुकी है, वो भी 145 के आसपास वो शेयर जो है ट्रेड कर रहा है। तो सेम लाइन के ऊपर ये जो है चलता हुआ नजर आ रहा है। और कंपनी जो है काफी अच्छे रेवेन्यू जो है जनरेट करती है, लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि 2 क्वार्टर पिछले खराब है। और कभी भी नीचे के भाव अगर दोबारा से मिलते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए भी रखा जा सकता है। लेकिन और डिविडेंड देखिएगा काफ़ी बढ़िया मिलता था इसके अंदर, अब जो प्रॉफिट नहीं होता तो देखिए कंपनी को डिविडेंड नहीं दे पाती है, तो ये बात आपको स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन आप इसके बारे में फर्दर इन्वेस्टिगेट करें तो आप मेरी जो पीछे की वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर कि हमने इसके बिजनेस के बारे में काफ़ी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं, किस तरीके का बिजनेस करते हैं, कहाँ पर लोकेशन है, किस तरीके की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो अभी देखिएगा 2 क्वार्टर खराब थे, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि शेयर का प्राइस अच्छा कर रहा है। हमें शेयर के प्राइस को अगर ध्यान देखें तो फंडामेंटल्स के आगे अब काम कर रहे हैं। और जब इसके फंडामेंटल्स बहुत मजबूत थे तब हम ये कहते थे कि शेयर चलता क्यों नहीं, और तब ये शेयर चला नहीं। और अब देखिएगा जब रिजल्ट खराब हो रहे, तो अब इस उम्मीद में कि अब जो फंडामेंटल्स हैं उन लोगों को समझ में आ रहे हैं कि शायद अब अच्छा होने वाला है आगे, या तो ये रीजन है, या देखिएगा रिटेल का पार्टिसिपेशन है पैनी स्टॉक्स के अंदर, ये भी रीजन हो सकता है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन एक जो समझदार इन्वेस्टर्स के लिए तो ऐसा ही है कि जो भी यहाँ पर अगर शेयर्स को लेगा तो उसको ध्यान रखने वाली बात ये है कि अपना स्टॉप लॉस जो है स्ट्रिक्ट रखना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के शेयर्स में कभी कभी अगर फॉल आता है तो वो भी स्टीप होता है। और जब तक ये रैली चल रही है, रैली को स्टॉप लॉस के साथ जो है एंजॉय करना चाहिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। हालांकि आप में से बहुत सारे जो लोग हैं क्योंकि इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख के कुछ पोजीशन हल्की कर ली होगी, मैंने भी जो है कुछ अपने पोर्टफोलियो में से शेयर्स जो है हल्के कर लिए थे जब इसके रिजल्ट अच्छे नहीं थे। लेकिन अभी भी देखिएगा मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, अभी भी काफ़ी स्टॉक जो है मेरे पास इसके हैं। तो ये मैं आपको एज ए डिस्क्लोजर आपको ये बातें बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं आपको इसीलिए बोलता हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग अगर पार्शल करते हैं तो बाद में अगर कभी तेजी आती है तो जो है वहाँ पर आप बुक कर सकते हैं। तो अभी भी जो है मुझे उम्मीद है ये कि ये जिस तरीके के मोमेंटम चल रहा है तो उस मोमेंटम को जो है आप प्ले कर सकते हैं। टेक्निकली बढ़िया चल रहा है, फंडामेंटली जो है इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद जो हम बात करेंगे तो इस क्वार्टरली रिजल्ट्स को मैं आपको एनालिसिस करता हुआ नजर आऊंगा, तो इसका एनालिसिस भी मैं आपको करूंगा। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।